The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So pancreatitis, what is pancreatitis and how and why it is important to you? This is Dr. Paramjeet and you're watching Dr. Education. Welcome back guys. और शुरू करते हैं बातचीत. सो पैनक्रियाज क्या होते हैं? पैनक्रियाज आपके शरीर में, आपके पेट के पास एक ग्रंथि है जो कि बेसिकली एक ग्लैंड है, एक फ्लैट सा ग्लैंड है, पेट के बीच में अपर एब्डोमेन में है सिचुएटेड. और ये पैनक्रियाज बनाते हैं एंजाइम्स जो के हेल्प करते हैं आपको डाइजेशन में. सो डाइजेशन के एंजाइम्स और हार्मोन, जैसे कि सबसे ज़रूरी हार्मोन आपका इंसुलिन. सो इंसुलिन भी पैनक्रियाज बनाता है और आपके बॉडी में ग्लूकोस मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन, फैट डाइजेशन के लिए लाइपेज अमाइलेज पैनक्रियाज बनाता है. ये दोनों एंजाइम हैं. पैनक्रियाज को अगर इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन, कोई भी प्रकार का डैमेज होता है तो उसे हम पैनक्रियाटाइटिस बोलते हैं. याद रखिए, हर जगह आइटिस जब भी आता है किसी भी चीज़ के आखिरी में तो वो इन्फ्लामेशन हो जाता है. ठीक है, तो पैनक्रियाटाइटिस ये इसका इन्फ्लामेशन है पैनक्रियास का. हेपेटाइटिस लिवर का. ठीक है, सो ये इन्फ्लामेशन को ऐसे बोला जाता है. सो पैनक्रियाज एकदम से इन्फ्लामेशन का मतलब है उसमें सूजन है, उसमें दिक्कत है, उसमें इन्फ्लामेशन यानी वहाँ पे पानी भी निकल सकता है. सडन हो रहा है तो एक्यूट इन्फ्लामेशन, क्रोनिक हो रहा है तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन लंबे समय में. और कई बार पैनक्रियाटाइटिस धीरे धीरे क्रोनिकली चलता है काफ़ी लंबे समय तक और काफ़ी सारे कारण हैं इसके. माइल्ड भी हो सकता है, सिवियर हो सकता है. माइल्ड फॉर्म जो होता है वो अपने आप ठीक हो जाता है, उसको किसी खास ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती. लेकिन सिवियर वाला लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है तो पैनक्रियाटाइटिस को समझना ज़रूरी है. बीचों बीच होने वाला जो पेन होता है अपर एब्डोमेन में, सेंट्रल एब्डोमेन में एपिगैस्ट्रिक पेन, पेट के अंदर और सीधा रेडिएटिंग टू बैक, ऐसा लगता है पीछे पीछे सीधा पीछे जा रहा है, वो होता है पैनक्रियाटाइटिस का पेन. पैनक्रियाज का सबसे बड़ा सिम्टम वो है. एब्डोमेन पेन जो कि खाना खाने के बाद बढ़ जाए वो भी पैनक्रियाटाइटिस को इंडिकेट कर सकता है. साथ में माड़ा मोटा यानी थोड़ा बहुत फीवर हो सकता है, रैपिड पल्स बढ़ सकती है, नौजिया वॉमिटिंग हो सकती है और पेट में दबाने से टेंडरनेस यानी दबाव भी हो सकता है. ये एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस के साइन है, यानी जब वो इन्फ्लामेशन हो रहा है, ज़्यादा सूजन है, तब ऐसा कुछ मिलेगा. लेकिन जब क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस लंबे समय में पैनक्रियाटाइटिस रहता है तो अपर एब्डोमिन पेन तो रहेगा लेकिन आपका वेट लॉस होगा, क्योंकि आप डाइजेशन नहीं कर पाओगे तो वेट लॉस होगा विदाउट इवन ट्राइंग. और आपके मोशंस में, क्योंकि पैनक्रियास का मेन काम है फैट, तेल, ऑयल, घी, बटर, मक्खन, मलाई, उसको डाइजेस्ट करना, तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा तो आपके स्टूल्स में ऑयली यानी ऑयल आएगा, स्मेली स्टूल्स आएंगे, इसको हम स्टियटोरिया बोलते हैं, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं होंगे. सो पैनक्रियाटाइटिस, क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस में ये होता है. क्या करता है ये, कारण क्या है इसका? देखो, पैनक्रियाटाइटिस डाइजेस्टिव एंजाइम्स और मतलब देखो, पैनक्रियाटाइटिस तब होता है जब आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स पैनक्रियाज में रहते रहते एक्टिवेट हो जाते. कायदे से उनको क्या एक्टिवेट होना है, उनको आपके इंटेस्टाइन में आना है, आपके आंत में गिरेंगे, उसके बाद खाने से मिलके एक्टिवेट होंगे. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो पैनक्रियाज में ही अंदर जहाँ है वहीं पे एक्टिव हो रहे हैं, वहीं पैनक्रियाज को गला रहे हैं. नाउ दिस इज एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस. रिपीटेड बाउट्स ऑफ दिस एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस विल कॉज डैमेज टू द पैनक्रियाज और वो होगा क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस लंबे समय तक. जहाँ जहाँ डैमेज होगा लंबे समय में वहाँ स्कार होगा, स्कार आएगा, स्कार टिश्यू काम नहीं करता है, तो जितना स्कार उतना टिश्यू काम नहीं कर रहा तो पैनक्रियाज का फंक्शन कम होता जाएगा. अ पुअर फंक्शनल पैनक्रियाज कैन कॉज डाइजेशन प्रॉब्लम्स एंड डायबिटीज. डायबिटीज बिकॉज उसका आधा बीटा सेल्स और पैनक्रियाज आइसलेट्स जो है बीटा सेल्स वो आपके शुगर इंसुलिन बनाते हैं, इंसुलिन को शुगर को एब्जॉर्ब करने के लिए, शुगर को सेल्स में ले जाने के लिए जरूरी, तो वहां पर प्रॉब्लम आ सकती है, डायबिटीज हो सकता है. सो क्या क्या चीजें इस तरह के चीज आपके पैनक्रियाज के अंदर के एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देंगी पैनक्रियाज के अंदर, क्या? सबसे कॉमन कारण है दारू, अल्कोहलिज्म,
पेट का कोई ऑपरेशन हो चुका उसके बाद हो सकता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस या गॉल स्टोन्स। जी हाँ, सबसे कॉमन कारण है गॉल स्टोन्स, अल्कोहल, दारू, क्रोनिक दारू पीने वाले, ज्यादा दारू पीने वाले, गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं, पेट में कोई ऑपरेशन हुआ है, कुछ दवाइयां हैं, ज्यादा कैल्शियम है आपकी बॉडी में, हाइपर कैल्सीमिया जो हाइपर पैराथायरॉइडिज्म के वजह से हो सकता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल बहुत ही ज्यादा है, हाइपर 500 से ज्यादा ट्राइग्लिसराइड पैनक्रियाटाइटिस कर सकता है, हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया, इन्फेक्शन हो जाए डायरेक्ट पेट में या इन पैनक्रियाज में, पेट में कोई चोट लग जाए, सीधा पैनक्रियाज को चोट लग गई वहां भी हो सकता है, मोटापा बहुत ज्यादा हो तब भी हो सकता है, और पैनक्रियाज में कैंसर हो जाए तब भी हो सकता है, ऐसे केस में पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है। और गॉल ब्लैडर के स्टोन में एक प्रोसीजर होता है ईआरसीपी, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पैनक्रियाटोग्राफी, इस पर एक अलग वीडियो आएगा, वो हो सकता है उसके वजह से भी एज अ कॉम्प्लिकेशन पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है। सो देयर इज धीस, और कई बार इसमें से बहुत सारे एक से ज्यादा कारण होते हैं, कई बार कारण मिलता ही नहीं है, पैनक्रियाटाइटिस है। चलो, पैनक्रियाटाइटिस किसको होगा, रिस्क फैक्टर क्या है, जो दारू पीते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, सिगरेट पीने से भी होता है याद रखिएगा, ऑन एन एवरेज 3 times बढ़ जाता है पैनक्रियाटाइटिस का चांसेस अगर आप सिगरेट पीते हैं एज कंपेयर टू नॉन स्मोकर्स, ओबेसिटी वाले मोटापे हैं, और फैमिली हिस्ट्री है पैनक्रियाटाइटिस के, तो जेनेटिक रोल भी है, सो आपके जीन्स भी है, लाइफस्टाइल भी है। ऐसा पैनक्रियाटाइटिस हो गया, वहां पर डैमेज हो रहा है, वहां पर एंजाइम एक्टिव हो रहे हैं, तो वहां तो उल्टे सीधे काम होंगे होंगे, वहां इन्फेक्शन हो सकता है, ओवर एक्ट मतलब सुपर इम्पोज इन्फेक्शन हो सकता है, वहां पर सूडोसिस्ट बन सकता है ना। सूडोसिस्ट क्या है, कई बार पैनक्रियास के अंदर एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस के बाद पानी और जो कचरा, जो डेड सेल्स जमा होके एक पॉकेट बना लेते हैं, वो अंदर वहीं के वहीं लार्ज सिस्ट बन जाता है, और अगर ये सिस्ट फट गया, अंदर ही अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, पूरे पेट में इन्फेक्शन फैल सकता है, जानलेवा हो सकता है पैनक्रियाटिक सिस्ट, जिसे सूडोसिस्ट बोलते हैं, बिकॉज वो पैनक्रियाज में बेसिकली डैमेज की वजह से गोला सा बन गया, सो इन्फेक्शन हो सकता है, सूडोसिस्ट हो सकता है, पैनक्रियाज के प्रॉब्लम एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस या पैनक्रियाटाइटिस की वजह से किडनी फेल हो सकती है भैया, राइट, किडनी फेल हो सकती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज बॉडी के अंदर ऐसे केमिकल चेंजेस होते हैं जो शरीर को इफेक्ट करते हैं, ऑक्सीजन लेवल को इफेक्ट करते हैं, लंग फंक्शन को इफेक्ट करते हैं, और एसिडिटी बढ़ाते हैं, सो किडनी लिवर फेल हो सकते हैं, डायबिटीज तो मैंने बता ही दिया कि आपके इंसुलिन नहीं बनेगा तो इंसुलिन नहीं बनेगा, पैनक्रियाटाइटिस हो जाएगा, राइट, मैल न्यूट्रिशन हो सकता है क्योंकि फैट्स अब्सॉर्ब नहीं होंगे, तो फैट सॉल्युबल विटामिन ए डी ई के कहां से मिलेगा, वो एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम हो, क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस, मैल एब्जॉर्प्शन एक्यूट में भी क्रोनिक में भी, पैनक्रियाटिक कैंसर हो सकता है लंबे समय में क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस में, तो भैया बहुत जोरदार चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत खतरनाक चीज है, तो इसका डिटेक्शन, इसका डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट समझिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है सिम्टम, पेट में दर्द सीधा पीछे जाना वो पैनक्रियाज की तरफ दिखाता है, और किसी भी प्रकार का रिस्क फैक्टर है, गॉल स्टोन है, अल्कोहल लेते हैं, तो पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है, जाके टेस्ट कराओ। टेस्ट क्या है, टू डायग्नोस पैनक्रियाटाइटिस देयर इज अ ब्लड टेस्ट ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, लाइपेज अमाइलेज, सीरम लाइपेज, सीरम अमाइलेज, इसके अलावा स्टूल टेस्ट किया जा सकता है, लैट्रिन में टेस्ट किया जा सकता है फॉर क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस, दिस उसमें फैट्स पता चल सकते हैं, कितने फैट है, स्टियोटोरिया तो नहीं है, और सीटी स्कैन किया जा सकता है गॉल स्टोन को देखने के लिए, पैनक्रियाज के अंदर इन्फ्लामेशन, सूडोसिस्ट को देखने के लिए, उससे पहले अल्ट्रासाउंड किया जा सकता है पेट की सोनोग्राफी, जिसमें गॉल स्टोन या पैनक्रियाज में सूजन इन्फ्लामेशन मिल सकती है, इसके अलावा एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड भी किया जा सकता है पेट के अंदर जाके, जहां पे पैनक्रियाज के बाहर निकलने वाली डक्ट, अगर पैनक्रियाज की बाहर निकलने वाली जो पाइपलाइन है वो ब्लॉक हो जाए तब भी पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है, तो उसको भी या एंडोस्कोपिकली देखा जा सकता है, एमआरआई से देखा जा सकता है इसको भी, गॉल ब्लैडर को, पैनक्रियाज को, डक्ट को एमआरआई से देख, तो इनमें से कोई ना कोई टेस्ट होते हैं, कॉम्बिनेशन ब्लड टेस्ट तो होता ही है। और सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ट्रीटमेंट, क्या है ट्रीटमेंट पैनक्रियाटाइटिस का, सबसे इंपॉर्टेंट इनिशियल ट्रीटमेंट जो हॉस्पिटल में हो या घर में हो वो है फास्टिंग, खाना नहीं खाना, खाना बंद कर देना, जी हाँ, 1-2 दिन के लिए खाना बंद कर देना पैनक्रियाटाइटिस का ट्रीटमेंट है, डू नॉट ईट एनीथिंग, बिकॉज उसको देना है रेस्ट, डाइजेशन करना ही नहीं है, तो डाइजेशन वाली चीज को रेस्ट मिलता है, उससे इन्फ्लामेशन कम होता है, पैनक्रियाज गेट अ चांस ऑफ रिकवरी। नाउ खाना नहीं खाना, इसलिए आपको ग्लूकोज चढ़ता है, आपको आईवी फ्लूइड चलता है, आपको पेरेंट्रल न्यूट्रिशन चलते हैं, जो भी चाहिए बॉडी को, चाहे विटामिन हो, न्यूट्रिएंट हो, प्रोटीन हो, वो सारा वेन से दिया जाता है। सो एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस में इन्फ्लामेशन कंट्रोल करने के लिए यू वी आर गिविंग आपको ये सारी चीजें देते हैं, राइट,
क्लियर लिक्विड फ्लूइड दे सकते हैं जैसे ही थोड़ा सा इन्फ्लामेशन कम हो जाए, उसके बाद फीका खाना दे सकते हैं। नॉर्मल डाइट को टाइम लगेगा, तेल घी बटर मक्खन मलाई बहुत कम लेना है। और अगर पैनक्रियाटाइटिस परसिस्ट करता है तो आपको कई बार एक फीडिंग ट्यूब डालने की भी जरूरत पड़ सकती है। ये है मेन ट्रीटमेंट। इसके अलावा ट्रीटमेंट है पेन किलर्स, दर्द बहुत ज़्यादा होता है भैया पैनक्रियाटाइटिस का, इसलिए पेन किलर लेने पड़ते हैं और कई बार एज आई सेड आई वी फ्लूइड तो देने ही पड़ते हैं। इसके अलावा एक बार आपका पैनक्रियाटाइटिस कंट्रोल में आ गया, उसके बाद देखते हैं कि अंडरलाइंग कॉज क्या था, एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस भाई क्या कारण था, गॉल ब्लैडर था, गॉल ब्लैडर स्टोन था तो गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन किया जा सकता है, स्टोन हटाया जा सकता है, पैनक्रियास के डक्ट में ब्लॉकेज था तो वहां से वो हटाया जा सकता है, उसको ऑपरेशन होता है, अल्कोहल डिपेंडेंसी, दारू पीते हो दारू बंद करो, दारू के ऊपर ट्रीटमेंट किया जा सकता है, और गॉल ब्लैडर में बाइल डक्ट ऑपरेशन था तो ERCP करके उसको क्लीन किया जा सकता है, और पैनक्रियास में अगर मान लीजिए सिस्ट बन गया तो कई बार पैनक्रियास की ही ऑपरेशन किए जा सकती है, पैनक्रियास का जो मरा हुआ पार्ट है उसको निकालना पड़ सकता है। तो ये सारे प्रकार के ऑपरेशन हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस बेसिस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर क्रोनिक हो चुका है दिक्कत, क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस, तो पेन मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, डाइट इंपॉर्टेंट है, सीवियर पेन होता है तो कई बार हमें सीवियर दवाइयां देनी पड़ती हैं, और साथ में पैनक्रियास को असिस्ट करने के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स देनी पड़ सकती है, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स जो होती है वो दी जाती है खाने के बाद, ताकि खाना पचे शरीर को लगे, और डाइट में चेंजेस तो करने पड़ेंगे, तेल घी बटर मक्खन मलाई लो फैट डाइट विच इज हाई इन न्यूट्रिशन ये देना पड़ता है। यह हुई कंप्लीट कहानी पैनक्रियाटाइटिस की। सोचो समझो अपने शरीर को, अपने आप को टटोलो, दारू पीते हो तो रोक दो, सिगरेट पीते हो तो रोक दो, और कोई पीता है तो उसको ये वीडियो शेयर करो। किसी को पेट में दर्द होता है, हर बार गैस नहीं होता, पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है, गॉल ब्लैडर का स्टोन हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, सो टेस्ट कराओ और हमारे वीडियो देखते जाओ और शेयर जरूर करो। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हेल्दी।